दोस्तों, माई सेल्फ ब्रजेश कुमार, एग्जीक्यूटर एंड को फाउंडर ऑफ ऑयंस, एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑयंस यूट्यूब चैनल। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ करेंट अफेयर इशूज एंड अदर दैन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन द फॉर्मेट ऑफ MCQ, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और प्लीज़, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो आप। और यदि आपको लगे, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगे कि नहीं, अच्छा वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक इट। एंड इफ़ यू थिंक दैट इट कैन हेल्प फॉर अदर्स, हेल्पफुल फॉर अदर्स, एंड सो प्लीज़ शेयर इट। और इफ़ यू हैव एनी सजेशन, यदि सुझाव है आपके पास, तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, है ना। ओके, तो चलते हैं, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 123 यानी कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी कर सकता है अथवा वापस ले सकता है। ओके, इट इज़ करेक्ट। देन राष्ट्रपति देश हित के किसी भी मुद्दे पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ये केवल उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिसपे कानून संसद बना सकती है। ओके, तो ये तो गलत हो गया। और नेक्स्ट है कि अध्यादेश पर राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। ओके, तो दोस्तों, आप यदि लक्ष्मीकांत की किताब उठाओगे, आप लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की किताब पॉलिटी की आती है, एक तरीके से इसको पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र मान लो आप इस किताब को, है ना। उसमें उठाओगे आप तो पेज नंबर 17.12 पर आप जब जाओगे तो वहाँ पर आपको राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी होता है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, कंप्लीट, तो उसको पढ़ लेना। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बहुत, क्योंकि पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, उतना टाइम तो नहीं है, पर कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दे सकता हूँ आपको, मैं इसके संबंध में दे दूँ। ओके, तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु ये प्राकृतिक रूप से अल्पकालीन होते हैं। अल्पकालीन का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बिल पास हुआ लोकसभा या राज्यसभा में, और उसके बाद फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। यदि राष्ट्रपति उस बिल को मंजूरी दे देता है तो वह बिल एक एक्ट बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो ये जो कानून संसद के द्वारा पास किए गए बिल के आधार पर जो बनता है, उस कानून की वैलिडिटी हमेशा के लिए होती है, जब तक कि संसद या राज्यसभा उसको खुद न संशोधित करे या उसको टर्मिनेट करे, है ना। लेकिन राष्ट्रपति के अध्यादेश के केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश जारी करता है वो हूबहू एक कानून की तरह काम करता है लोकसभा या राज्यसभा में, लेकिन ये अल्पकालीन होता है, मतलब कि ये परमानेंट कानून राष्ट्रपति नहीं बना सकता है, है ना, परमानेंट कानून नहीं बना सकता है, ये अल्पकालीन होता है, कुछ समय के लिए होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है कि, और दूसरी बात है कि राष्ट्रपति किसी भी मतलब मुद्दे, ऐसा नहीं कि कोई भी मुद्दा उठा लिया अपने मन से कानून बना दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति उन्हीं चीज़ों पर कानून बना सकता है, या उसी चीज़ पर, सॉरी, कानून बना सकता है बोल रहा हूँ, उसी चीज़ पे अध्यादेश जारी कर सकता है जिस मुद्दे पर संसद कानून बना सकती है। और संसद में चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा, या तो दोनों, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, या तो दोनों में से कोई भी यदि नहीं, संसद जो है कि सत्र में नहीं है या सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दूसरा गलत हो गया, 1 और 3 सही है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिन पर कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा
दोनों में से किसी एक भी सदन में सत्र नहीं चल रहा है। और अभी कंटेक्स्ट यह है कि अभी एससी एसटी वाला जो मामला चल रहा है, एससी एसटी एक्ट से संबंधित जो मामला चल रहा है, उसको जो है कि पुनर्विचार के लिए जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने को बताया बोला गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि नहीं मानती है तो देयर विल बी समथिंग, तो इससे संबंधित कानून बनाने की, अध्यादेश जारी करने की सहमति आ सकती है राष्ट्रपति द्वारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के 8 मूल उद्योग, मूल उद्योग का मतलब कोर इंडस्ट्री, 8 मूल उद्योग यानी कोर इंडस्ट्री में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं या है, तो कोल, इलेक्ट्रिसिटी, विनिर्माण और स्टील। अच्छा दोस्तों, खैर आप जरा इस क्वेश्चन को यहीं पे पॉज करके अपने कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ उस पर लिखो आपकी आप क्या 8 कोर इंडस्ट्री जितनी हैं भारत की, क्या 8 का नाम आपको याद है? यदि है तो प्लीज़ इसको लिखो आप, नहीं तो आगे तो मैं बता ही दूंगा एक्सप्लेनेशन में। एनी हाउ, भारत की 8 कोल इंडस्ट्री में विनिर्माण नहीं है, विनिर्माण नहीं है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील है। एक्चुअली 8 कोर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनकी विकास एक्चुअली वो ये अर्थव्यवस्था की बुनियादी इनकी बुनियादी स्थिति होती है, मतलब ये इनको इसलिए कोर बोला जाता है। कोर का मतलब कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ से इनकम होती है, तो इसलिए उनको कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। कोर इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम कोल को मानते हैं, उसके बाद कोयला, कोयला के बाद क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, क्रूड ऑयल के बाद सीमेंट, सीमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद फर्टिलाइज़र के बाद स्टील के बाद नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के बाद पेट्रो रिफाइनरी। आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 कोर इंडस्ट्री में शामिल हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कोर इंडस्ट्री में जो है कि वृद्धि हुई है कोर इंडस्ट्री के फायदे में, यानी कि 5.3% की जो है कि इंक्रीमेंट या इनकम में हमारे वृद्धि हुई है, तो इसलिए न्यूज़ में था। ये रही कोर इंडस्ट्री, इसके बारे में सारी जानकारी प्लीज़ इसको पॉज करके देख लीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट नाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो कथन ये है, पहला है कि यह यूएनओ का एक मुख्य संगठन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह यूएनओ का मुख्य संगठन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में से जो है कि किया गया था। एक्चुअली 5 देश थे, तो इसलिए इसे इनिशिएटिव ऑफ 5 भी कहा जाता है। इसी संगठन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया था, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। और चौथा है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, नहीं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया राजधानी है। तो इसका 1 और 4 तो गलत हो गया, ऑप्शन 2 और 3 यानी बी सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा। देखो यार यहाँ पे गलत मिस टाइपिंग है, यहाँ पे बी होगा, सी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जो है सेंट्रल जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया है। इसकी स्थापना देखो मैं बताया नहीं, स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी, और बेलग्रेड यूगोस्लाविया में था, अब इस जो है कि वर्तमान में इसे सर्बिया के नाम से जानते हैं। और इसके 120 मेंबर हैं, 120 मेंबर है, और कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो इसका जो है न्यूयॉर्क सिटी में है, इसका एक हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, लेकिन हेडक्वार्टर जो है इसका जकार्ता में होगा, ठीक है, और इसके बारे में आप पढ़ लेना आप। और अभी इसका जो है कि एक ये इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी दो जो है कि इसकी हर 3 वर्ष के अंतराल पर इसकी बैठक होती है, 2015 में वेनेजुएला में हुई थी और 2018 में ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रही है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अरल सागर कजाकिस्तान और अजरबैजान की सीमा पर स्थित है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और जो है कि अजरबैजान की सीमा पर नहीं है। कजाकिस्तान की सीमा पर तो है लेकिन अजरबैजान की सीमा पर नहीं है, क्योंकि आप यदि देखोगे तो ये आपका कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के ये साइड में है कजाकिस्तान और यहीं पर है उज्बेकिस्तान, और इन्हीं दोनों के सीमा पर है अरल सागर, है ना। और ये कैस्पियन सागर है और यहाँ पर है आपका अजरबैजान, तो दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, अजरबैजान जॉर्जिया और आर्मेनिया को कॉकेसस देश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और आतेशगाह, आतेशगाह में स्थित टेंपल ऑफ फायर, टेंपल ऑफ फायर है वहाँ पे एक मंदिर है जिसमें हमेशा आग जलती रहती है। तो टेंपल ऑफ फायर बौद्ध सिख हिंदू पारसी धर्म से संबंधित मुख्य प्रमुख स्थल है, धर्म से प्रमुख स्थल है। सिख हिंदू पारसी से संबंधित प्रमुख स्थल तो है लेकिन बौद्ध से नहीं है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। तो तीसरा और पहला गलत है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी केवल दो सही है। तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, और अगर जो है कि आतेशगाह जो स्थित टेम्पल ऑफ है ये हिंदू सिख और पारसी धर्म से प्रमुख स्थान है। मैप में एक बार इसको देख लेते हैं कि अरल सागर कहाँ पर है और ये कहाँ पर है, तो आप इसको अपनी क्वालिटी में बढ़ा देंगे तो उसमें आपको दिखेगा बड़ा साफ। ये देखिए, ये है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के ठीक पश्चिम में आप यदि देखोगे ध्यान से तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये मिलेगा अजरबैजान, यही है। मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, ये देखिए, ये मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये देखिए यही है अजरबैजान और इसकी राजधानी है बाकू। ये है कैस्पियन सागर और ये देखो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और यही देखो यहीं पर है अरल सी, यही पर है अरल सी। इसको फिर से मिटा देता हूँ मैं, तो ये देखो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको अरल सी मिल जाएगा। देखो यही है अरल सी, ये उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान है और ये कैस्पियन सागर है। देखो दोस्तों, कैस्पियन सागर एक्चुअली ऑलरेडी न्यूज़ में रह रहा है, तो कैस्पियन सागर से क्वेश्चन इसमें पूछने की संभावना बढ़ गई है ना। एक्चुअली बढ़ने का मतलब ये है कि अभी हाल में सुषमा स्वराज भी यहाँ गई हुई हैं, तो हाल फिलहाल में लगातार ये न्यूज़ में रह रहा है, ठीक है। देखो ये इंडिया आपके न्यू दिल्ली दिख रही है, न्यू दिल्ली के ठीक यहाँ देखो, हमारे इंडिया के ठीक पश्चिम पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, फिर उसके बगल में ईरान, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर तुर्की। यहाँ तक एक लाइन में याद कर लो आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की। ईरान के ठीक ऊपर है कैस्पियन सागर, ईरान के ठीक ऊपर है कैस्पियन सागर, और इधर अफगानिस्तान और ईरान से लगा हुआ है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के ठीक ऊपर है उज्बेकिस्तान, लेकिन कैस्पियन सागर की सीमा नहीं लग रही है। कैस्पियन सागर के लिए पास की बात करें तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान, ये सिर्फ एक दो तीन चार पाँच देशों की जो है कि सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे यदि लोकेशन के तौर पे देखोगे, यदि वाटर बॉडी के तौर पे, तो देखो कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के ठीक वेस्ट में अजरबैजान, अजरबैजान के बाद यहाँ पर है जॉर्जिया। दोस्तों यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यही देखो है आर्मेनिया, यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री है, इस साइड में एकमात्र लैंड लॉक कंट्री यही आर्मेनिया है, यहीं पर आपको मिलेगी आर्मेनिया, एकमात्र इधर पर लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ पर कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के बीच में है, ठीक है। जॉर्जिया है, अब जॉर्जिया के बाद है ब्लैक सी, काला सागर, और काला सागर के ठीक इधर देखो ये पे है मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर यही है। एनी हाउ, यदि वाटर बॉडी की बात करेंगे तो देखो आप यदि यहाँ से दोस्तों इस वाटर बॉडी को एकदम कंठस्थ कर लो, दिमाग में बैठा लो आप, देखो ये मेडिटेरेनियन सी है ना, ये है एडियाट्रिक सी, ये है ब्लैक सी, और ये है कैस्पियन सी, और ये है अरल सी, देख रहे हो आप, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, ये सी हो गए। और यहाँ पे नीचे देखो आप रेड सी है, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ पर्सिया यानी पर्सिया की खाड़ी, और यहाँ पर है ओमान की खाड़ी, है ना। अब ओमान की खाड़ी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि पर्सिया की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, उसी प्रकार लाल सागर को, और ये देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है लाल सागर, जैसे लाल सागर को और गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन का मतलब एडन की खाड़ी, लाल सागर को और एडन एडन गल्फ ऑफ यानी एडन की खाड़ी को, ये जो है कि स्ट्रेट ऑफ बैल बाब अल मानदेब, बाब अल मानदेब की जो जल संधि है वो जोड़ती है। तो इसी प्रकार गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी और पर्शिया खाड़ी कौन जोड़ता है, ये आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। और फिर यहाँ पर है अरब सागर, तो ये वाटर बॉडी एकदम कंठस्थ कर लो आप कैसे कैसे हैं, फिर देखो कैसे आपको याद करना है,
कैस्पियन सी को आप सेंटर बना लो, कैस्पियन सी के पूरब में अरल सागर है, कैस्पियन सी के पश्चिम में आपको काला सागर है, काला सागर के पश्चिम में एड्रियाटिक सी है और उसके ठीक साउथ में मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन के साउथ ईस्ट में मिलेगा आपको लाल सागर, लाल सागर बाब अल मानदेव जल संधि के द्वारा जुड़ा है अडन की खाड़ी से, अडन की खाड़ी किसे संलग्न है, अरब सागर से, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर ईरान के ठीक नीचे है पर्शिया की खाड़ी, पर्शिया की खाड़ी जुड़ी हुई है ओमान की खाड़ी से, ओमान की खाड़ी किससे लगा हुआ है, अरब सागर से। तो यहाँ पे हो गया, आपको दोस्तों बताना है, भूलना मत आप कमेंट सेक्शन में कि पर्शिया की खाड़ी ओमान की खाड़ी किससे जुड़ी हुई है, किस जल संधि से। और अरल सागर के ठीक पूरब में जाएंगे तो यहीं पर है बाखास झील जो कि पूरे कजाकिस्तान में है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कजाकिस्तान आप याद रखिएगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश है, पहला ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर जो है कनाडा है, ये याद रखिएगा, बखास है। और उसके बाद बैकाल, लेक बैकाल, देखिए यही है रसिया की लेक बैकाल, है ना, लेक बैकाल रसिया की सबसे बड़ी झील है, लेक बैकाल रसिया की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी झील इसको माना जाता है, और ये बखास है जो कजाकिस्तान में है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर ये पूरी देखिए वाटर बॉडी, इस वाटर बॉडी को ऐसे ही याद कर लो आप, ठीक है। अब देखो आप इधर अरब सागर हो गया, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गई, और ये है देखिए साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी देखिए अभी इंपॉर्टेंट है, ये देखो आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख रहा है यहाँ पे, गल्फ ऑफ थाईलैंड एक्चुअली ये मलेशिया, मलेशिया में यहीं पे, मलेशिया में गल्फ ऑफ थाईलैंड और मलेशिया जो है कि यहीं पे एक ये है मलक्का स्ट्रेट, यही है मलक्का स्ट्रेट, तो यहीं से जो है कि थाईलैंड के ऊपर से यहीं से बन रहा है एक करा कैनाल जो है कि बना रहा है चाइना इसको जोड़ने के लिए, साउथ चाइना सी को जो है कि बंगाल की खाड़ी और ऐसे ये साउथ चाइना सी को ऐसे जोड़ने के लिए बना रहा है। तो अभी देखो जैसे ये कैनाल ऐसी फेमस हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो कैनाल है यानी कि नहर है उसको बोलते हैं स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल के जो बना था, स्वेज कैनाल बना था 1869 में बना था, है ना। उसी प्रकार दक्षिण साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने जो है कि उसको एक नहर से निकाला गया था, उन लोगों के बीच में पनामा नहर जाकर पनामा देश से निकाला गया था, 20th सेंचुरी में बनी थी। तो ये आपकी लोकेशन हो गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से 5 मई 2017 तक किया गया था। नहीं, ये तो सही है कि ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल 5 मई 2017 नहीं बल्कि 2018 में किया जाएगा, है ना। 14 अप्रैल जो है कि बाबा साहब का, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन भी है तो इसलिए किया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, इसका उद्देश्य प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत सत्र, नहीं ऐसा नहीं है, इसका उद्देश्य प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत को सशक्त बनाना नहीं है बल्कि निर्धन गरीब परिवार को जागरूक करना है, जागरूकता फैलाना है ताकि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें हों वो उनको जाने उसको, है ना। तो इसके बारे में पढ़ना आप, इसका ऑप्शन डी सही होगा, ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक किया जाएगा और इसका जो है कि मुख्य उद्देश्य है निर्धन परिवारों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के पहुंचने का और लोकोन्मुख पहलों को बारे में जागरूकता प्रचार प्रसार बनाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिखित, निम्नलिखित, देखिए छूट गया यार, निम्नलिखित में से कौन संस्था वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती है, निम्नलिखित में से कौन संस्था वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक एक्चुअली जो है कि IBRD वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, बिल्कुल सही, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी भी वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती है 100%। तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, ओके इंटरनेशनल, वास्तव में इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन अभी न्यूज़ में भी है, हालांकि इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन भी वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। तो जुलाई 1944 में USA के न्यू हैम्पशायर और ब्रेटन वुड्स में एक जो है कि कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, प्रस्तावित पारित हुआ था और यह 1945 में इसको लागू कर दिया गया था, मतलब आ गया था, इसलिए इसे ब्रिटेन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। और कॉन्टेक्स्ट अभी यह है कि भारत सरकार, महाराष्ट्र और विश्व बैंक ये तीनों मिल के
एक प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा, जलवायु लचीली कृषि के बारे में इसको बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। तो एनी हाउ दोस्तों, यहाँ पे मेन देखो, मेरे ये क्वेश्चन बनाने का मुख्य उद्देश्य ये आपको बताना था कि जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, यदि हमारे देश के साथ कोई भी करार साइन करती है, कोई भी MOU साइन करता है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यदि किसी राज्य के साथ करता है तब तो वो 100% इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये समझ लो आपकी ये क्वेश्चन कहीं न किसी तरीके से ज़रूर पूछेगा, ओके। और बाकी वीडियो पॉज करके सारी जानकारी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक सबसे कम ब्याज दर पे देता है ना पैसा, इसलिए लोग हमेशा वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं। देखो यहाँ पे है, इसकी सालाना ब्याज दर 1.5% है, तो हमेशा इसलिए इस लोग इसकी तरफ भागते हैं। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति मामले के मंत्रालय ने वन उपज के मूल्य संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जो है कि वन धन विकास केंद्र स्थापित किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक्चुअली अब तक क्या होता था, सपोज करो यदि कोई राज्य है और उस राज्य में कहीं वन है और उस वन में आदिवासी ये लोग रहते हैं, जनजाति लोग रहते हैं, तो उस वन के जो भी संसाधन, छोटे मोटे संसाधन होते हैं, जैसे मान लो लकड़ी हो गई है ना, वुड्स हो गई, और उसके बाद टिम्बर हो गया है ना, लकड़ी हो गई, टिम्बर लट्ठा हो गया, और उसके बाद मान लीजिए शहद हो गया, हनी शहद हो गया, इस प्रकार की इतने भी संसाधन हैं, ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सपोज करो मान लो इनके उपयोगिता से ज़्यादा भी हो जाता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है इन लोगों को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक ये वन धन विकास केंद्र स्थापित किया है यहाँ पर, जिससे मान लो कोई है जंगल तो यहीं पर एक वन धन विकास केंद्र स्थापित कर देगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये लोग इनके सामान को, इनके संसाधन को जोड़ देंगे बाहर के मार्केट से, तो इससे क्या होगा कि इनकी भी आमदनी बढ़ जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है यार कि यदि व्यक्ति संपन्न रहता है तो किसी प्रकार की अनुचित क्रियाएं में भाग नहीं लेता है, आतंकवाद उग्रवाद में भाग नहीं लेता है, तो सरकार इसलिए जोड़ रही है इन लोगों को, आदिवासी लोगों को स्पेशली जोड़ रही है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो छत्तीसगढ़ में चल रही है, देखो आप इससे भी यदि आप इसका नाम सुने भी हुए हैं कि इस यदि समझे हुए हैं तो आप ऑलरेडी बता, छत्तीसगढ़ में बीजापुर नामक जगह है, वहीं पे सबसे पहला जो है वन धन विकास केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये वीडियो पॉज करके इसको पढ़ना, इसका आंसर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नहीं यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, बल्कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 2003 में इसे लागू कर दिया गया था। तो इसलिए यह एक एक्ट के तहत बनी है, मतलब कि यह एक कानून के तहत बनी है, इसलिए यह संविधिक जो है कि बॉडी है ना। तो जो है पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा है, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सृजन और इस संदर्भ में सबको समान अवसर प्रदान करना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरा। तीसरा है, इस आयोग के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं, 100% सही है। तो इसका एक, दो और तीन आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ओके। चलिए चलते हैं अगले, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, इसको रोक के देखो यहाँ पे पढ़ लेना आप अभी, मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि मंत्रिमंडल द्वारा इसके एक अध्यक्ष और तीन सदस्य करने के लिए प्रस्ताव में मंजूरी दी गई है, ओके। तो इसलिए ये न्यूज में है, ठीक। इसके पहले जो है कि इसमें अन्य सदस्य, इसमें कई सदस्य होते थे ना, तो इनमें थोड़ा सा फेरबदल कर रही है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी RBI जो है कि बनाता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है, और फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक। तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, अरे यार स्वाभाविक सी बात है, जब मॉनेटरी पॉलिसी की RBI बनाता है तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री कैसे कर सकता है, तो गवर्नर करेगा, तो स्टेटमेंट ये गलत हो गया। इसमें कुल 12 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, ओके। और क्या है इसमें जो है कि नहीं, इसमें 12 सदस्य नहीं होते हैं,
नेक्स्ट है जो है कि यह आरबीआई के मानक ब्याज दरों पर निर्धारित करती है। हाँ बिल्कुल सही, जितने भी जैसे सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, रेपो रिजर्व रेट है, रेपो रेट है ना, तो ये सब सारी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसका जो है कि ऑप्शन केवल 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये वित्तीय अधिनियम जो है कि 2016 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 यानी कि भारतीय, इसी एक्ट के तहत भारत आरबीआई की स्थापना हुई थी, बट लागू हुआ था अब 1935 में ये लागू हुआ था। तो लेकिन यदि ये पूछा जाए किस एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत, लेकिन लागू हुआ था 1935 में, ठीक है। में संशोधन करके एक मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान किया गया। इसमें 6 सदस्य होंगे और 3 आरबीआई के तथा 3 सदस्य वर्तमान सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। आरबीआई का गवर्नर इस समिति का अध्यक्ष होगा, है ना। तो इस तरीके से अभी आरबीआई 2018 की मौद्रिक नीति की घोषणा किया है अभी हाल ही में, ठीक। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी जैसे जो है कि गुइनिया, स्वाजीलैंड, जाम्बिया, यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति मिस्टर कोविंद नाथ जी जो है कि यहाँ पर अभी दौरे पर हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया। और हंगरी में तो इलेक्शन हो रहा है इसलिए क्वेश्चन बनाया। यानी आओ, तो इसमें राजधानी आपको जो है कि बताना है, एक तरफ क्या है, गुइनिया है, बिसाऊ। गुइनिया की राजधानी जो है कि बिसाऊ नहीं है बल्कि गुइनिया की राजधानी है कोनाक्री इसकी राजधानी है, ओके। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है स्वाजीलैंड की राजधानी सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। और जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ये भी सही है। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट है, बुखारेस्ट नहीं है बल्कि बुदापेस्ट। या और ये खास बात यह है कि ये तीनों के तीनों देश जो है, गुइनिया, स्वाजीलैंड, जाम्बिया, ये अफ्रीका के हैं और हंगरी जो है वो यूरोप का देश है, है ना। हंगरी जो है वो यूरोप का देश है। तो इसका जो है कि 2 और 3 केवल सही, यानी कि ऑप्शन बी केवल सही है। चलो इसका थोड़ा सा लोकेशन देखो दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ यार, मैप मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। मैप यदि आप नहीं तैयार कर रहे हो तो कम से कम सोच लेना कि आपका किसी भी एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे या तो छोड़ के आओगे। आप मैप तैयार कर लो दोस्त, 100% आप जो है कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे। ये मैप जो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं ये मैप ऑक्सफोर्ड का है, है ना। ऑक्सफोर्ड का आप चाहे खरीद लो, चाहे तो आप ओरिएंट ब्लैक स्वान का खरीद लो। आप ऑक्सफोर्ड और ओरिएंट ब्लैक स्वान दोनों में से किसी का खरीद लो आप, इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, और जहाँ पढ़ते हो आप पहले की तरह बोल रहा हूँ, 4 मैप लगा के रखो अपने सामने, 4 मैप, फिजिकल इंडिया का, पॉलिटिकल इंडिया का और वर्ल्ड का, फिजिकल और वर्ल्ड का पॉलिटिकल, ये जो है 4 मैप लगा के रखो आप और डेली बस देखते रहोगे, याद हो जाएगा सारी चीज़ें। यानी हाँ, थोड़ा सा मैं जगह आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है गुइनिया, यहाँ पर गुइनिया है और यहाँ पर देखिए यहीं पर है स्वाजीलैंड है और ये देखिए है जाम्बिया, ये जाम्बिया है, है ना। और ये इजिप्ट है जहाँ पर जो है कि सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया यहीं पर पाई गई थी। ये नील नदी देखिए, यही नील नदी है। खारतून में ब्लू नील और वाइट नील दोनों मिल जाती हैं। और ये देखिए विक्टोरिया झील है जहाँ से इसकी जो है कि उद्गम होता है, ठीक है। और यूरोप के नक्शे में, यूरोप में एकदम रोमानिया के ठीक जो है कि पश्चिम में यहीं पर, इधर थोड़ा सा ऊपर है, सॉरी यहाँ बता रहा हूँ, रोमानिया के, जैसे मान लो यहाँ पे यूरोप नक्शे में ये रोमानिया है, तो रोमानिया के ठीक पश्चिम में यहीं पर है हंगरी, इसकी राजधानी है बुदापेस्ट, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन रहे दोस्त। और हमेशा की तरह अभी जो है कि हम लोग फिर से 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, आपको जो लगे आप आंसर देखिए, यदि नहीं आता हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको ढूंढ लो, आप पढ़ लो, आप पढ़ के जो है कि ये क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन है देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, 1856 जो हुआ है वहाँ से क्वेश्चन है, है ना। 1857 क्रांति से ठीक पहले ही घटना है ये। सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ऑप्शन है हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, कैनिंग और डलहौजी, है ना। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग और जो है कि डलहौजी, ये पहला क्वेश्चन है। प्लीज़ इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर आप पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट, यदि हाँ एक चीज़ और, थोड़ा बहुत यदि इसके बारे में जानकारी भी हो तो आप उसको लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा लंबा मत लिखना, थोड़ा बहुत जानकारी हो तो उसको प्लीज़ पोस्ट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह
1857 के विद्रोह में तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार का प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के समय किन कथनों पर विचार किया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम कर दिया जाए। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है, एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन बी है, एक और दो दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी है, एक सही है और दो गलत है। ऑप्शन डी है, एक गलत है और दो सही है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में आप बताना, इसके आंसर जरूर देना। ओके, तो थैंक यू, और प्लीज़ वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ़ यू डू हैव एनी सजेशन प्लीज़ डू इन कमेंट सेक्शन, सो दैट वी कैन इम्प्रूव इट लॉट एंड लॉट। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।